सभी साथियों को जय भोलेनाथ। किरण की बुक से हमने प्रतिशत शुरू किया था। टाइप नंबर 5 के हम 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे 21वें क्वेश्चन से शुरुआत। यदि किसी वस्तु पर कर में 20% की कमी की जाती है और उसकी खपत में 15% वृद्धि की जाती है तो राजस्व में कितनी कमी होगी। देखो इसको फ्रैक्शन में लेकर आते हैं। 20% का मतलब होता है 1/5 और 15% का मतलब होता है 3/20। यहाँ क्या होता है, 5 से 1 कम हो जाता है कितना 4 और 20 से फिर ये बढ़कर कितना हो जाता है, ये हो जाता है 3 बढ़ा देंगे तो ये हो जाता है 23। तो कुल राजस्व में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हो जाएगा 100 और ये कितना हो जाएगा 92। 100 से 92 हो जाता है तो इसका मतलब 8 की कमी आई है। पहले कितना था मूल्य 100 रुपये, तो कितने प्रतिशत है, तो यहाँ से पता चल जाएगा 8%। इस तरीके से सवाल को सोल्व कर देगा फ्रैक्शन से। एक पेन की कीमत, सॉरी दूसरा सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 22। एक पुस्तक के मूल्य में 8% की वृद्धि की जाती है फिर 8% कम कर दिया जाता है मूल्य, तो बताना है उसके मूल्य में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। देखो ऐसा क्वेश्चन आपका रेंडमली पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। 10% बढ़ाया जाता है मूल्य फिर 10% ही घटाया जाता है। इसी प्रकार इस क्वेश्चन में दे रखा है 8% बढ़ाया और 8% घटाया, तो इसको गुणा करके 100 से डिवाइड कर देना, हमेशा कमी होगी, ये बात ध्यान रखना है। 8 8 64, तो कितना आ जाएगा 0.64% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, आंसर हो जाएगा। अगर 10% बढ़ाया जाता और 10% ही घटाया जाता मूल्य और कितना परिवर्तन आता, फिर यहाँ पर 1% कम हो जाता मूल्य। ठीक है, 9% घटाना है, 9% बढ़ाना है, तो 9 × 81, तो 0.81% की कमी, हमेशा कमी होगी। जितने प्रतिशत बढ़ाया है उतना प्रतिशत अगर घटा रहा है तो हमेशा कमी होगी। एक पेन की कीमत पहले 15% बढ़ाई जाती है और बिक्री में कमी आने के कारण कीमत में 20% कमी कर दी जाती है, तो पेन का अंतिम मूल्य में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा। देखो 15% की वृद्धि की जाती है, 15% का फ्रैक्शन 3/20 होता है, यहाँ से हम देखेंगे 20 से कितना किया जाता है 23, ये बढ़ा दिया जाता है, और 20% कम किया जाता है यानी 5 से कितना हो जाता है 4, तो ये कितना आ जाएगा 100 और ये कितना आ जाएगा 92, इनका डिफरेंस कितना है 8, तो 8 की कमी आई है 100 पर, कितने प्रतिशत है, तो 8% की कमी, ये आंसर हो जाएगा। फ्रैक्शन से क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आप जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। एक मोटरसाइकिल का मूल्य 75,500 रुपये है, इसमें 17% कमी के बाद मोटरसाइकिल का मूल्य क्या होगा। देखो 17 ये अपने आप में 100% है, अगर इसमें 17% कमी की जाती है मूल्य में तो इसका मूल्य कितना रह जाएगा 83%, तो बस इसको मल्टीप्लाई कर देना, ये आ जाएगा 62665, ये मूल्य रह जाएगा, ये आंसर बन जाएगा। एक वस्तु की कीमत में पहले 25% की वृद्धि की जाती है और इसके बाद बिक्री घट जाने के कारण उसकी कीमत 30% की कमी आती है। देखो 25% वृद्धि की जाती है तो 25% का फ्रैक्शन में लेकर आते हैं तो ये हो जाएगा 1/4, तो 4 से कितना हो जाता है 5 हो जाता है, और इसके बाद बिक्री घट जाने के कारण कीमत में 30% की कमी आती है, 30% की कमी आती है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3/10, तो 10 से कितनी कीमत कम हुई है 3 कम हो जाएगा तो यह देगा 7, तो 10 × 40 मल्टीप्लाई करना है 5 × 35, कितना मूल्य कम हुआ यहाँ से पता चल जाएगा। देखो 5 की कमी आई है कितना 40 पर, तो गुणा में कितने प्रतिशत है, तो इसको काट देना 2 × 4, 2 × 5 = 10, 12.5%, 25/2 आ जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं 12.5%, कितनी कमी आ जाएगी, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। देखो ध्यान से समझना है, नमक की कीमत में 15% की कमी एक व्यक्ति को 272 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनाती है, तो नमक की घटी हुई कीमत क्या है। देखो ध्यान से समझना है और ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपको लगातार मैं करवाऊंगा, 5-7 क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन है। देखो कीमत में 15% की कमी होती है तो यहाँ लिखेंगे, देखो जितनी कमी होती है यहाँ लिखना है 15% की कमी, तो 100 में से घटाकर नीचे लिख देंगे कितना, 100 में से 15 गया 85, ठीक है। 20% की कमी होती तो कैसे लिखते, 20/80, ठीक है। अगर 20% कीमत में वृद्धि हो जाती तो कैसे लिखते, 20 ऊपर लिख देते और 20% की वृद्धि करके नीचे लिख देते, ठीक है। जितनी भी कमी करता है ऊपर करेंगे और बाकी 100 में से कमी करके नीचे लिख देंगे। अब क्या करता है वो 272 रुपये में, 272 रुपये यहाँ हमेशा आपने रुपए लिख रहे हैं, और कितने किलोग्राम अधिक खरीद सकता है, 2 किलोग्राम अधिक, तो यहाँ लिखेंगे 2 किलोग्राम, जो भी वो नमक है, केले हैं, अंडे हैं,
जो भी वो कम या ज्यादा खरीदता है उसको नीचे लिखेंगे। अब यहाँ से क्या आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा पहले का भाव, जो भी वस्तु है उसका भाव आ जाएगा जो पहले उसका रेट था। इसमें पूछ रखा है घटी हुई कीमत बतानी, ये पहले का भाव है। अब ये पहले का भाव जो भी आप काट पीट कर इसका आंसर निकालोगे उसका आपने क्या करना पड़ेगा, 15% कम करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट यहीं पर 15% कम कर सकते हो, यानी इसका मूल्य अब कितना रह जाएगा 85/100। अब इसको 85 से 85 कैंसिल हो जाएगा और इसको अगर आप सोल्व करते हो तो इसका कितना आंसर आ जाएगा सोल्व करने के बाद, 20.40 ये आ जाएगा। पहले मूल्य जो भी रहा है उसका, अब उसका 15% कम कर दिया 85/100, तो ये हो जाएगा घटा हुआ मूल्य उसका 20.40। अगर वो पहले का मूल्य पूछता तो आपको 85% यहाँ पर 15% कम करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट इसी से आंसर आपका आ जाएगा। और क्वेश्चन देखो देखने को मिलेंगे आपको, एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है, क्वेश्चन नंबर 27 में बाद में करवाऊंगा आपका। एक वस्तु की कीमत में 20% की कमी हो जाती है तो कमी कहाँ लिखेंगे, देखो यहाँ पर करवा देता हूँ सॉल्व। 20% की कमी होती है तो 20/80 ऐसे लिखना है, और 360 रुपए हमेशा ऊपर लिखने हैं। कितने किलोग्राम यहाँ पर दे रखा है, 2 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है, तो बताना है प्रारंभिक मूल्य, इसका मतलब इसका पहले वाला मूल्य बताना है, तो इसी को आप सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा। देखो 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2, और इसको काटेंगे तो 8 चौका 32, ठीक है, और 8 5 40, तो 45 रुपये प्रति किलोग्राम ये पहले का भाव आ जाएगा। इसको प्रारंभिक मूल्य भी बोलते हैं और मूल कीमत भी इसको बोलते हैं, ठीक है, मूल कीमत इस तरीके से निकालते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से करना है। केले के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक ग्राहक 80 रुपये में 6 केले अधिक खरीद सकता है, तो नया भाव प्रति दर्जन का बताना है। देखो 6 केले खरीदे हैं अधिक और बताना है प्रति दर्जन का, ध्यान रखना इस सवाल में किस तरीके से निकालना है। देखो 20% की कमी हुई है तो 20/100 में क्या करेंगे, 100 में से 20 घटा के हो जाएगा 80, और कितने रुपए में, 80 रुपए में 6 केले। देखो 80 रुपए में 6 केले खरीद सकता है वो ज्यादा। अगर बताना क्या है सवाल में, प्रति दर्जन का भाव बताना है, नया भाव यानी कि कम होने के बाद 20% की कमी के बाद, ये तो मूल्य आ जाएगा आपका जो मेन जो प्रारंभिक मूल्य था ऐसे आ जाएगा। और दर्जन में पूछ रखे हैं यहाँ पर 6 केले दे रखे हैं, तो एक दर्जन में कितने केले होते हैं, 12 केले, तो यहाँ बटे 12 करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा इस तरीके से। तो ये तो आ जाएगी आपकी मूल कीमत क्या थी प्रति दर्जन की, यहां से निकल जाएगी। लेकिन उसने पूछ रखा है कमी के बाद, अभी जो वर्तमान का मूल्य पूछ रखा है तो कितनी कमी हुई है, यहाँ पर देखो 20% की कमी हुई है, तो अब इसका मूल्य कितना रह जाएगा 80/100 इस तरीके से। ये 80 से 80 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, इस 0 से ये 0, 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 3 चौके 12 और 4 8 32, तो कितना आंसर आ जाएगा 32 रुपये प्रति दर्जन अब का भाव है। वर्तमान भाव पूछता तो आपने सिर्फ क्वेश्चन को इतना सोल्व करना था, इतना इस तरीके से, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो, इसमें दे रखा है गेहूं की कीमत में 15% की कमी होने से, देखो 15% की कमी हुई है तो 15 ऊपर लिखेंगे और 100 में से माइनस करके लिखेंगे नीचे, एक स्टेप आपने ये कर दिया। रुपए हमेशा ऊपर लिखते हैं, 2720, 2720 रुपए में कितने वो ज्यादा खरीद पाता है, 6 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद पाता है, 6 किलोग्राम अधिक। तो ये पहले का भाव आ गया, पहले का भाव पूछता प्रारंभिक मूल्य तो इसको सोल्व कर देते आंसर आ जाता है। लेकिन हमें क्या पूछ रखे हैं, इसमें घटी हुई कीमत बतानी है, घटी हुई वर्तमान की पूछ रहा है, तो कितने प्रतिशत कम हुआ है, 15% घटा था तो अब इसका मूल्य कितना रह जाएगा 85% इस तरीके से। 85 से 85 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, ये आ जाएगा 3 5 15 और 3 2 6, 2 से काट सकते हो, 2 3 6, 2 6 12, और इसको काटेंगे तो 5 6 30, 3 5 3 15 और 3 18, 5 1 5 और 1 6 और इस 0 से 0 कैंसिल, तो 68 आ जाएगा वर्तमान का मूल्य, ये आंसर हो जाएगा। चावल की कीमत में 20% की कमी होने के कारण कितनी कमी हुई है, 20% की कमी हुई है, तो 20 ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे 80। अब आप क्वेश्चन समझ चुके होंगे, एक ही पैटर्न पर सवाल को सोल्व करना है। 450 रुपए में 50 किलोग्राम, 450 ऊपर लिखेंगे, यहाँ पर हमेशा रुपए लिखते हैं, और जो कम या ज्यादा है 50 किलोग्राम अधिक या कम यहाँ लिखते हैं, तो बताना है इसका मूल
कीमत बतानी है, तो इसका डायरेक्ट आपने क्या कर देना, सोल्व कर देना, आंसर आ जाएगा मूल कीमत 5.45। ठीक है, 0 से 0, 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 4 से काट देना 2.25, ये आ जाएगा मूल कीमत या प्रारंभिक कीमत कितनी थी, 2.25, ये आंसर बन जाएगा। सेब की कीमत में 20% वृद्धि की जाती है, फिर 20% की कमी की जाती है। देखो एक बार तो कीमत 20% बढ़ा दी और फिर 20% कम कर दिया, ऐसा सवाल मैंने पहले भी करवाया था, 8% बढ़ाकर 8% कम किया था। तो क्या करना है, इसमें 20 गुणा में 20 और बटे में 100 हमेशा कमी होती है इसमें, तो क्या आ जाएगा, 4% की कमी। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सेब की कीमत, तो इसमें क्या हो जाएगा, कितने प्रतिशत की कमी आएगी, 4% की कमी आ जाएगी। यदि पेट्रोल की कीमत में 28% वृद्धि होती है तो उपभोक्ता द्वारा खपत में कितने प्रतिशत कमी की जानी चाहिए, यदि पेट्रोल पर खर्च अपरिवर्तित रहता है तो। देखो 28% की वृद्धि हुई है, मान लेते हैं पेट्रोल की कीमत 100 रुपए थी, 28% वृद्धि हो जाती है, अब कीमत 28% बढ़ने के बाद 128 रुपये प्रति लीटर हो जाता है, और मान लेते हैं खर्च भी वो 100 रुपये प्रति लीटर था और 100 रुपये ही वो खर्च करता था, अब बताना है खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी। अब वो पेट्रोल डलवाने के लिए जाएगा तो उसे क्या करना है, 100 रुपये का पेट्रोल डलवाएगा, लेकिन कीमत कितनी है, 128 रुपये प्रति लीटर हो चुकी है, तो यहाँ पर 28 रुपये का कब पेट्रोल मिलेगा और कितनी कीमत है, 128, तो कितने प्रतिशत है, 21.88%। इस तरीके से सोल्व करना है, हम क्वेश्चन ऐसे करते भी आए हैं। प्याज के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, एक महिला 200 रुपये में 5 किलोग्राम प्याज ज्यादा खरीद सकती है। देखो 25% की वृद्धि हुई है, 25 लिखेंगे ऊपर, 100 में जोड़ के लिख देंगे नीचे 125, 25% वृद्धि होगी, तो कितने रुपए में, 200 रुपए में 5 किलोग्राम, यहां हमेशा रुपए लिखते हैं, नीचे लिखते हैं कम या ज्यादा, जो चीज खरीदती है 5 किलोग्राम कम प्याज खरीद सकती है, तो प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य बताना है। देखो ये आ जाएगा पहले का भाव प्रारंभिक मूल्य, और इसमें क्या करना, 25% रेट बढ़ा है तो क्या करेंगे, 125/100, इस तरीके से तो ये कट जाएगा। अब ये आ जाएगा 2 0 से 2 0, 5 से काटेंगे 5 5 25, तो 5 2 10, ये आ जाएगा बढ़ा हुआ मूल्य 10 रुपये, ठीक है, प्रति किलोग्राम। पहले का अगर वो पूछता प्रारंभिक मूल्य है तो आपको ये करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट आपने इसको सोल्व कर देना था, आंसर आ जाता आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि एक सेब की कीमत में 30% कम कर दी जाती है, देखो 30% की कमी की है तो 30/70, तो ग्राहक 140 रुपए में 5 सेब क्या करता है, अधिक खरीद सकता है 5 रुपए में, तो बताना है सेब की घटी हुई दर क्या है। देखो ये प्रारंभिक मूल्य आ जाएगा और कितने प्रतिशत कम हुआ है, 30%, तो यहाँ कितना मूल्य बचेगा अब इसका, 70/100, इस तरीके से 0 से 0 0 से 0, और इसको काटेंगे तो 70 से 70, 14 3 42, और 5 से डिवाइड कर देना, यह आ जाएगा 5 8 40, 5 6 20, 8.4 प्रतिशत नहीं सॉरी रुपये, ये आंसर आ जाएगा। यदि किसी उत्पाद के मूल्य में 50% कमी की जाती है, 50% कमी की जाती है, इसका मतलब 1/2, 2 रुपए से कम किया है 1 रुपया, तो 1, फिर 50% बढ़ाया जाता है तो 2 से कितना कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा, ये हो जाएगा 3, फिर 50% बढ़ाया जाता है तो ये बताना है 2 से फिर 3 हो जाएगा, अंत में क्या होना चाहिए, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देखो 2 2 4 2 8 और 3 3 9, 8 से 9 हो जाता है तो 1 रुपया बढ़ाया, पहले कितना था 8, कितने प्रतिशत बढ़ाया, 12.5%, 12.5% यहाँ पर वृद्धि हुई है। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। आज के क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। और देखो एक क्वेश्चन आपका रहता है 27वां क्वेश्चन, इसको मैं कल वाली क्लास में इसको सबसे पहले इसको करवाऊंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रहता है और बाकी हमने सारे टाइप नंबर 5 के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, कल मैं आपका टाइप नंबर 6 शुरू करवाऊंगा। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताना है और कमेंट में जरूर लिख देना है। जय भोलेनाथ।